आइए डिस्कस करते हैं थ्री एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल सिस्टम को। थ्री एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल सिस्टम मुश्तमिल है स्टीम फ्लो, वाटर फ्लो, ड्रम लेवल पर। इन्हीं तीन एलिमेंट की मदद से बॉयलर ड्रम के लेवल को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसे थ्री एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। और ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम है, यानी बॉयलर ड्रम में वाटर लेवल की चेंज आने से पहले ही इनलेट वाटर फ्लो में चेंज आ जाएगी, जिससे ड्रम लेवल में कोई चेंज नहीं आएगी और वाटर लेवल कांस्टेंट रहेगा। हम देख रहे हैं स्टीम फ्लो और वाटर फ्लो दोनों की चेंज बराबर मिकदार में है, जिसके नतीजे में ड्रम लेवल कांस्टेंट है। स्टीम फ्लो और वाटर फ्लो की चेंज को बराबर रखने के लिए कैस्केड लूप लगाया गया है, जिसमें मास्टर कंट्रोलर लेवल कंट्रोलर है, जिसका सेटमेंट 50% है, जो कि बॉयलर ड्रम के लिए मौजू है। लेवल कंट्रोलर की आउटपुट और स्टीम फ्लो ट्रांसमीटर की आउटपुट समर में सम होने के बाद समर की आउटपुट सेट पॉइंट बनती है वाटर फ्लो कंट्रोलर का, जिससे वाटर फ्लो को कंट्रोल किया जा रहा है। इस लूप में समर की मदद से वाटर फ्लो, जो कि बॉयलर ड्रम की इनपुट है, बराबर रहती है स्टीम फ्लो के, जो कि बॉयलर ड्रम की आउटपुट है। समर की आउटपुट बराबर है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस के। सी समर आउटपुट, ए स्टीम फ्लो, बी वाटर लेवल कंट्रोलर की आउटपुट, के कांस्टेंट। इस तरह हमें जो आउटपुट मिलती है वो वाटर फ्लो कंट्रोलर का सेट पॉइंट बनती है, जिसके नतीजे में वाटर फ्लो बराबर रहती है स्टीम फ्लो के। जैसा कि हम देख रहे हैं, वाटर लेवल कंट्रोलर की आउटपुट है 50% और कांस्टेंट की वैल्यू है -50%, जिसके नतीजे में सी इज इक्वल टू ए, यानी जितनी स्टीम फ्लो होगी समर की आउटपुट भी उतनी ही होगी। और ये सेट पॉइंट है वाटर फ्लो कंट्रोलर का, और इससे वाटर फ्लो की चेंज रहेगी स्टीम फ्लो की चेंज के बराबर। अगर ये बराबर है तो लेवल में कोई चेंज नहीं आएगी, चाहे लोड कम हो या ज़्यादा। लेकिन अगर वाटर फ्लो स्टीम फ्लो के बराबर नहीं रहती तो यकीनन लेवल में चेंज आएगी, जिससे बी की वैल्यू यानी लेवल कंट्रोलर आउटपुट चेंज होगी और समर आउटपुट भी चेंज होगी, क्योंकि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस के। इस तरह समर आउटपुट वाटर फ्लो को बराबर कर देगी स्टीम फ्लो के, और मास्टर कंट्रोलर की वजह से लेवल 50% पर आ जाएगा और वाटर फ्लो स्टीम फ्लो के बराबर रहेगी। इस तरह थ्री एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल सिस्टम काम करता है, जिससे बॉयलर ड्रम का लेवल बेहतर तरीके से कंट्रोल होता है।